ओम नमः शिवाय। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष मंगलवार द्वादशी तिथि शाम 6:30 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में दोपहर 3:30 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात मूल नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी केतु हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, धनी, सुखी और ऐश्वर्य से युक्त, बुद्धिमान, अस्थायी कार्य करने वाले और शत्रुओं पर विजय पाने वाले होते हैं। ऐसे जातक स्नेहपूर्व, मिलनसार, ईमानदार, अच्छी सलाह देने वाले और अभूतपूर्व नेतृत्व की क्षमता वाले अनुशासन प्रिय होते हैं। नियम कानून का पालन करने वाले, धार्मिक कार्यों में संलग्न और विश्वास पात्र भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा बृहस्पति और केतु की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि में दोपहर 3:30 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके राशि स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज चंद्रमा और शनि की युति धनु राशि में दोपहर के बाद बनी रहेगी, जो कि मानसिक रूप से कर्क और धनु राशि को प्रभावित करने का काम करेगी। अतः इन दोनों राशियों को सावधानी अपेक्षित है। मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि कार्य क्षेत्र में मेहनत की प्रवृत्ति बनी रहेगी और मन मुताबिक काम हो सकता है। व्यावसायिक योजना का विकास होगा और उसे संबंधित मामलों में सहयोग भी मिलता रहेगा। सरकारी कामकाज में भी लाभ संभव है और नई कार्य योजनाओं की पृष्ठभूमि तैयार होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, प्रबल उत्साह और कार्य ऊर्जा बनी रहेगी, मगर मानसिक चिंता, माता के स्वास्थ्य की चिंता, मधुर संबंधों में कमी और पैर के घुटनों में तकलीफ संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। वाहन सावधानी से चलाएं। वृष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। चंद्रमा का नीच राशि में चलना, तत्पश्चात शनि चंद्रमा की युति धैर्य, संयम और स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता का संकेत करता है। दृढ़ निश्चय और कार्य ऊर्जा मानसिक स्तर पर प्रभावित होगी। निजी संबंधों में तनाव और अनचाही यात्रा का योग भी बनता है। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। आजीविका से संबंधित कार्यों में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, मगर आप अपने बुद्धि कौशल से संघर्ष और प्रतिकूल परिस्थितियों को आसान और सुलभ करने में सक्षम रहेंगे। संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता मिल सकती है, प्रयास जारी रखें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में निरंतरता बनी रहेगी, मगर हर काम में प्रयास अधिक करना पड़ेगा। सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी, मगर उत्साह प्रभावित होगा। साझेदारी के लाभदायक प्रस्ताव सामने आएंगे। कुछ काम संपन्न होने में देरी हो सकती है। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में दोपहर तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात केतु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और आपसी संबंध प्रभावित होंगे। कमर में जकड़न और पेट संबंधी दिक्कतें संभावित हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। मन मुताबिक काम होंगे और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की प्रेरणा बनी रहेगी। उत्साह और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। नए प्रस्ताव और नई कार्य योजनाओं में लाभ मिलेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति अनुकूल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। पाचन तंत्र और पेट के निचले हिस्से में जटिलताएं संभावित हैं। साझेदारी के कामों में लाभ होगा और कुछ कामों में नकारात्मक विचारधारा, उत्साह की कमी और विषाद की स्थिति भी संभावित है। वाहन चलाने में सावधानी बरतें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के विस्तार की मानसिकता बनी रहेगी और निरंतरता बनाए रखने में सकारात्मक प्रेरणा जारी है। सूर्य वैभाव में शनि के नक्षत्र में बैठे हैं। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास मन मुताबिक बना रहेगा, मगर शनि चंद्रमा की युति पहल करने की प्रवृत्ति को प्रभावित करेगी। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएँ संभावित हैं। कमर और पेट संबंधी सावधानी बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और सहयोग मिलता रहेगा। न्यायालय या वाद विवाद संबंधित मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और वैवाहिक प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे। कन्या राशि के जातकों के भाग्यवश काम अच्छे होंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा।
कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा। निजी संबंधों में तनाव, मानसिक भ्रम व निर्णय लेने में असंतुष्टि का संकेत मिलता है, मगर आप अपने पेश आने के तरीके और वाणी की मधुरता से मामले को नियंत्रित करने में सफल रहेंगे। नई कार्य योजनाओं और निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में मेहनत के अनुरूप सफलता हासिल होगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। प्रयासों का दौर जारी रहेगा। सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पारिवारिक प्रेरणा से लाभ संभव है। नई कार्य योजनाओं में सरकारी विभाग और अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहेंगे, मगर कुछ कामों में संघर्ष की स्थिति संभावित है और कुछ कामों में व्यावसायिक विवाद और धन हानि की भी संभव है, मगर साझेदारी लाभदायक रहेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। शनि चंद्रमा की युति दूसरे भाव में और सूर्य राहु बुध की युति भाग्य भाव में बनी हुई है। परिस्थितियों के अनुसार मानसिकता में सुधार और वाणी में मधुरता कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने का काम कर सकती है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। साझेदारी लाभदायक रहेगी और कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत भी मिलता है। आंखों की एलर्जी व कान से संबंधित दिक्कतें संभावित हैं। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा, मगर संतान संबंधी चिंता और कुछ कामों में अचानक बाधा संभावित है। धनु राशि के जातकों को आर्थिक लाभ और कार्य क्षेत्र से संबंधित उचित दिशा निर्देश की प्रेरणा मिलती रहेगी। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मेहनत करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, मगर त्वरित भावावेश में आने की मानसिकता संभावित है। वाणी की मृदुलता के साथ अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। नवीन कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे और प्रतियोगी भावना बनी रहेगी। यात्रा संभावित है। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी के साथ साथ वाहन सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा और सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें। मकर राशि के जातकों के लिए कार्य संबंधी भागदौड़, अनावश्यक यात्रा और अनावश्यक खर्च से संबंधित मामले संभावित हैं। चंद्रमा के क्रमशः बुध और फिर केतु के नक्षत्र में होने से कार्य क्षेत्र में सक्रियता, उत्साह में वृद्धि, नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी, मगर बुध राहु सूर्य के सातवें भाव में होने से पारिवारिक तालमेल में कमी संभव है। निजी निवेश और साझेदारी के कामों के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा। विभागीय अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। वाहन सावधानी से चलाएं और चिकित्सकीय दिशा निर्देश का पालन करते रहें। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में अभ्यास जारी रखें। सफलता संभावित है। कुंभ राशि के जातकों के रुके हुए कामों में गति आएगी और सरकारी कामकाज पूरे होंगे, मगर आर्थिक लाभ की स्थिति में थोड़ी देरी या रुकावट संभावित है। हालांकि आपके प्रयास करने की क्षमता और बुद्धि कौशल का इस्तेमाल सकारात्मक रूप से जारी रहेगा। प्रतियोगी भावना विकसित होगी। कार्य क्षेत्र की अनुकूलता बनी रहेगी और नए प्रस्ताव के लिए सहयोग मिलता रहेगा, मगर अनावश्यक विवाद संभावित है और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। वाहन सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता संभावित है। मीन राशि के जातकों के लिए आय संबंधी मामलों में सहयोग, आर्थिक पक्ष में मजबूती और रुके हुए काम के संपन्न कराने का संकेत मिलता है, मगर चंद्रमा का नीच राशि में चलना और फिर शनि चंद्रमा की युति से कामों में अवरोध और उत्साहहीनता की स्थिति संभावित है। संबंधित मामलों में अनावश्यक खर्च और यात्रा की संभावना भी बनती है। फिर भी आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। मन में नकारात्मक भाव ना आने दें और आत्मविश्वास को बनाए रखें। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्षित है। वाहन सावधानी से चलाएं। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।